हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? एक बार फिर स्वागत है आपके चैनल MN अचीवर पर। तो आप सबको हम लेकर आए हुए हैं पॉलिटी की टेस्ट सीरीज के सीगमेंट, जो कि आप लोग हर दिन की तरह एक बार फिर से हम लोग देखेंगे पॉलिटी से जुड़े प्रश्न। जो चैप्टर चल रहा है अभी हम लोग पॉलिटी में, जो कि आप लोग पॉलिटी पढ़ने की प्रस्तावना, ठीक है। प्रस्तावना से हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, उसे कुछ नागरिकता और अगले चरणों में पढ़ेंगे नागरिकता अनुच्छेद स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उन सब चीज़ों से जुड़े प्रश्न और प्रस्तावना जुड़े प्रश्न देख चुके थे। अभी उतना ही प्रश्न नहीं है, कुछ और प्रश्न बनाए जा रहे हैं, उनसे भी कुछ प्रश्न। एक बार क्या होगा, जब अच्छी तरह से जब हम लोग कुछ अनुच्छेद पढ़ लेंगे, मूल अधिकार तक पढ़ लेंगे, एक साथ प्रश्न को जोड़कर एक टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, तो आप लोग हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और हम आप लोग बता दें कि ये प्रश्न जो है, ये प्रश्न कुछ ऐसे ही प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, ठीक है। तो आप लोग देखते रहिएगा क्या ट्रेंड है, कैसी ट्रेंड है, इसके अनुसार आप अपने को तैयार कीजिएगा। और अच्छे से प्रश्न लगा दे रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कुछ IQ पढ़े गए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न संख्या 1, ठीक है, आइए। कह रहा है कि नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? मतलब कि कैसे कैसे समय के अनुसार कौन कौन से राज्य को पूर्ण राज्य की दर्जा कब कब मिली, तो उसके अनुसार सही कालानुक्रम को दर्शाएं। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी में नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा। इसका सही आंसर क्या होगा, ये सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, ये तो सही है। दीव खंभात की खाड़ी में टापू है, दीव क्या है, खंभात की खाड़ी में क्या एक टापू, ये भी सही है। दमन और दीव को भारतीय संविधान 56 द्वारा गोवा से अलग किया गया, ये भी सही है। असत्य पूछ ध्यान कि असत्य पूछ रहा है, इन शब्द पर ध्यान देना चाहिए क्या पूछ रहा है, ठीक है। असत्य ऐसे कुछ शब्दों पर सही है, असत्य है, नहीं है, तो सब शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। तो दादर नगर हवेली एक ऑप्शन नहीं बचता है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दादर और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? देखिए ये तो प्रश्न बहुत हल्का और बहुत ही सबको जानने प्रश्न की आवश्यक है। कह रहा कि किस संशोधन द्वारा, ना संविधान संशोधन 69वें द्वारा, संविधान संशोधन 73वें द्वारा, संविधान संशोधन 70 द्वारा, संविधान संशोधन 75 द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 69वें द्वारा, ठीक है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? मतलब ये पूछा जा रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो आप लोगों को पता होगा कि अभी हमने पिछले प्रश्न में देखा था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था, कौन से, 69वें द्वारा। इसका भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन में दिया गया 69वें, 73वें, 70वें और 75वें। इसका भी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 69वें द्वारा, ठीक है। आगे हम चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? संघ के राज्य क्षेत्र में कौन से नहीं है, तो बताइए इसका सही आंसर। दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दमन और दीव, गोवा, पुदुचेरी, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही होगा, कौन का संघ राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो क्या है, जो UPPCS का 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो सही आंसर होगा गोवा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 6। सिक्किम भारत का एक संबद्ध राज्य बना,
था कब? तो ऑप्शन नंबर ए में तीसरे संविधान संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत, 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर होगा 35वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1956, ऑप्शन नंबर 1856, ऑप्शन नंबर बी 1953, ऑप्शन नंबर सी 1957, ऑप्शन नंबर डी 1960। ये तो ऑप्शन नंबर तो गलत है, ठीक है, तो पहले ही गलत है क्योंकि 1856 में भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस आंसर देखें, इसका आंसर सही 1953 होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में लिखित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 1। तो हम लोग जानते हैं कि प्रश्न बहुत हम लोग कहेंगे तो सबको पता ही होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 1, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि किस अनुच्छेद के तहत संसद राज्य को संघ में मिलाने क्षेत्र में वृद्धि करने या कमी करने की शक्ति प्राप्त है? मतलब कि किस अनुच्छेद के तहत आप संसद के पास शक्ति है कि किसी राज्य को क्षेत्र में कटौती कर सकता है, किसी राज्य क्षेत्र को क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है या कमी कर सकता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत, ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 5 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 1 के तहत, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 3 के तहत, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज के लिए देखते हैं, आज के लिए इतना ही प्रश्न, हम अगले फिर से इसी जुड़े प्रश्न को देखेंगे अगले सेगमेंट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।